हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस वीडियो सेशन में। ये वीडियो सेशन खास तौर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भारत में जितने भी हैं उन सभी के ऊपर बेस्ड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जानवरों के रख रखाव और उनका ध्यान रखने के लिए, ताकि वो इंसानी दुष्प्रभाव से बच सके, उनका शिकार नहीं हो, यह ध्यान में रखते हुए उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करते हैं, भारत के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी एक पूरी लिस्ट देखेंगे, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्या वो जो नेशनल जो इंटरनेशनल हेरिटेज है, साइट है यूएन नेशंस का, उस पर वो आते हैं नहीं आते हैं, उनके डिटेल, उनकी एस्टेब्लिशमेंट, हम सारे डिटेल उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरिया होती है जहाँ पे जानवरों के रख रखाव के लिए एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उस जंगल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। जो प्रोटेक्टेड एरिया होती है उसे कैटेगरी में रखने या कौन सी कैटेगरी में वो आती है, ये काम करता है IUCN। जो IUCN है वह जो है प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी बांटने का काम करती है। 1936 से 2016 तक टोटल भारत में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है बनाई गई थी। वहीं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है टोटल जो है 11,08,918 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है, जिसमें से 50 तो जो है जो टाइगर रिजर्व के लिए बनाए गए थे, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर में बनाए गए थे उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, और ये कंजर्वेशन के लिए था बंगाल टाइगर के। वही बात करते हैं IUCN का, तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कैटेगराइज करती है डिफरेंट जो सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो इतने भी अभयारण्य या फिर सुरक्षित वन होते हैं उनको कैटेगराइज करने का काम करती है। ये इसका और एक काम है, ये सिस्टम को डिफाइन करती है, उसके बारे में रिकॉर्ड रखती है और क्लासिफाई करती है, मतलब कि उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटती है उसके वैरायटी के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी सरकार है या फिर कोई इंटरनेशनल बॉडी है वो उसका रखरखाव सही तरीके से कर सके। कुछ इंटरनेशनल बॉडीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस और जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो वाटर बोर्ड बनी हुई है वो भी इसमें IUCN के साथ काम करती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अन्नामुड़ी सोलह नेशनल पार्क, ये है दोस्तों केरल में, और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2003 में। एरिया जो कवर करता है वो 7.50 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं हंसी नेशनल पार्क कर्नाटका, स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में। टोटल एरिया ये कवर करती है 417.34 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, बियर, एलिफेंट और डियर के लिए सुरक्षित की गई है। आगे बात करते हैं बलपक्कम नेशनल पार्क की, यह है मेघालय में, 1986 में ये एस्टेब्लिशमेंट की गई थी और टोटल एरिया कवर करती है 220 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है वाइल्ड वाटर बुफेलो, रेड पांडा, एलिफेंट एंड 8 कैट स्पीसीज, 8 टोटल जो कैट स्पीसीज है उनको सुरक्षित करने के लिए की गई थी। और एक चीज मार्बलेट कैट एक होती है, उसे भी सुरक्षित करने के लिए ये बनाया गया था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, काफी फेमस है ये, 446 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। 1336 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स का ये रिजर्व पार्क है। आगे बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है, 1974 में स्टैब्लिश किया गया था।
यहाँ पे चीतल, बंगाल टाइगर, ग्रे लैंगरूस, इंडियन जायंट स्क्वायरल, गौर लेपर्ड, सांभर डियर, इंडियन एलिफेंट्स, हनी बजार्ड और रेड हेडेड वल्चर के लिए फेमस है। वहीं बैनरघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटका में, ये टाइगर के लिए खास तौर पर फेमस है। 1986 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। एलिफेंट, सांभर डियर और मॉस डियर के लिए फेमस है। वही बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क, ये झारखंड में है। 1986 में इसे बनाया गया था। 1135 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसमें टाइगर, इंडियन बिसोन, एलिफेंट और मंकी, लेपर्ड इत्यादि जानवर रहते हैं। आगे जो है भीत कार्निका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है, 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे मैंग्रोव्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वाइट क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, ब्लैक हिप्स, वाइल्ड पिग्स और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं। चीतल भी इसका इस जंगल में खास तौर पर पाए जाते हैं। आगे जो है राजबाड़ी नेशनल पार्क, जिसे बिसोर नेशनल पार्क भी कहते हैं, त्रिपुरा में है। 2007 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ब्लैक बग नेशनल पार्क गुजरात में है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। 1992 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। कैम्बेल बे नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। दाचीगम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, और इस ये एक ऐसा एरिया है जिसे कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसमें पाया जाता है। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है असम में, 1999 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसमें फेरल हॉर्स पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, 1997 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 490 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। इसमें टाइगर, सांबर डियर, हॉक डियर इत्यादि पाए जाते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, और ये जो है केरला में है और 1978 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। गालथिया नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, 1992 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है गुजरात में। गौरुमा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। इसके साथ ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट और ईयर भी यहाँ पे मेंशन है और कितने एरिया में होते हैं, फैले हुए हैं। और जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, एक एसेटिक लायन काफ़ी फेमस है, उसके लिए फेमस है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, 1984 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये उपलब्ध इसके रखा गया है। गोगा वर्ल्ड नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, 1987 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। गोंदिया नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जो है हेमिस नेशनल पार्क, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। आगे बात करते हैं इंदर किला नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, 2010 में इसे बनाया गया था। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, जो कि फेमस है वाइल्ड एशियन बुफेलो टाइगर रिजर्व एंड हिल मैनस के लिए। आगे बात करते हैं ज्यादा पारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का जो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है तेलंगाना में। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, काफी फेमस है। और जो टाइगर डेंसिटी है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इंडियन राइनोज मिलते हैं और
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम दर्ज है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, और ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है इन द वर्ल्ड। 1977 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। केओ लादो नेशनल पार्क है राजस्थान में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम दर्ज है। आगे बात करते हैं खांजो चेंदोंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम में है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। और खीर गंगा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, 2010 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये 400 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं कुदेर मुख नेशनल पार्क, जो कर्नाटका में है, 1987 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, महावीर हरिना वनास्थली नेशनल पार्क है तेलंगाना में, मानस नेशनल पार्क असम में है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम दर्ज है। मांडिया प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ ये है गुजरात में, माथा केतन सोला नेशनल पार्क है केलरा में, मिडिल बटोन आइलैंड पार्क है अंडमान एंड निकोबार में, मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में, मोलिन नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, माउंट हेरल नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और एक चीज है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है एट्रीब्यूटेड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल न्यू स्पीसीज फ्रॉग नेम्ड राना चार्लिस डार्विनी। आगे बात करते हैं मृगावानी नेशनल पार्क है तेलंगाना में, मधुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, मुकुंद्रा हाई हिल्स नेशनल पार्क है राजस्थान में, मुकुर्थी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, मुरियन नेशनल पार्क है मिजोरम में, नागवा होल नेशनल पार्क है कर्नाटका में, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, नामेरी नेशनल पार्क है असम में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम दर्ज है। साथ ही साथ यह यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसका नाम दर्ज है। नवाईगांव नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, नेवरा वैली नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, नॉर्केक नेशनल पार्क है मेघालय में, और ये भी वर्ल्ड यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में इसका नाम भी दर्ज है। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। आगे बात करते हैं नटांगिकी नेशनल पार्क है नागालैंड में, औरंग नेशनल पार्क है असम में, पमदादूम सोला नेशनल पार्क है केरल में, पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पापेकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क है केलरा में, पवानगुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और ये मेनली नोन फॉर एलिफेंट टाइगर लेपर्ड एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स। रानी झांसी नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में, सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में, सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और संजय गांधी नेशनल पार्क एक है महाराष्ट्र में। और ये फेमस है एसेटिक लायन, इंडियन लेपर्ड और भी बहुत सारे जानवरों के लिए। आइए बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, सतपुरा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, सिमबारा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, सिरोरी नेशनल पार्क है मणिपुर में, और सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में, जो कि फेमस है टाइगर लेपर्ड एशियन एलिफेंट सांबर बार्किंग डियर गौर जंगल कैट एंड वाइल्ड बोर। सिंगालिया नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, साउथ बॉटन नेशनल
पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी दर्ज है, टडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में जो टाइगर के लिए फेमस है, वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में, वन विहार नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में।